वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीमी डिवाइन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है कि काफी गुस्सा हुआ यह स्ट्रीम देखने के बाद, तो देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 72 ये आए हैं, इनको देखते हैं। ये हमारे शायद सनातनी भाई हैं। जी भाई, हेलो, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप सनातनी भाई हैं? भाई काफी रोना भाई, सनातनी तो भाई कैसे बोल सकते हैं आप? तो यार आपका इस्लाम तो हमें भाई नहीं बुलाता ना यार भाई, तो ऐसा तो मत कीजिए यार भाई, हम पे जुल्म मत कीजिए ना भाई। हम पे मुझे जो कोई मुसलमान हमें जब बोलता है ना भाई, तो दिल में ना दिल को दर्द होता है। बोला यार ये तो ठीक बात नहीं है ना, ठीक है, तो भाई मत बुलाइए ना भाई। मतलब काफिर कैसे भाई हो सकते हैं आपके यार, सोचिए ना भाई। सूरह अल माईदा ना चैप्टर नंबर 5 एंड आयत 33 है मेरे ख्याल से, जिसने अल्लाह को और उसके रसूल को नहीं माना वो अल्लाह वो इस्लाम का दुश्मन है ना भाई, ऐसा कुरान बोलता है ना भाई। तो इसलिए तो बहुत जगह ना, तो मुझे लगा कि यार आप भाई मत बोलिए, बस बोले कि जो भी बोलना बोलिए, जैसे कि जाहिल बोल दीजिए, जाहिल तो ठीक लगता है, जाहिल ठीक है, क्योंकि कुरान के हिसाब से क्या उसे फिलती क्या क्या कहते हैं, फिलती नजस फिलती है, फिलती घटिया लोग है, घटिया ऐसे बोलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम क्या बोलते हैं यार, सच बोलिए ना, जो कुरान जो बोलता है हमारे बारे में, मतलब कुरान कितना, मतलब अल्लाह काफिरों को कितना अच्छा समझता है, तो ऐसा बोलिए ना भाई। भाई बोलेंगे ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा भाई। एक मिनट उनको बोलने दो, उनको सांस चढ़ा हुआ है, मैं नोट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सांस की बात नहीं है भैया, सांस की बात नहीं है। जी बोलने, मेरे गले में थोड़ी खराश है, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो जो जो लिखा हुआ है वही मैंने बोला, तो बोला कि यार आप काफिर को कैसे बोल सकते हैं ना भाई, मुझे कोई कुरान के आयत को बता दीजिए जिसमें काफिर को भी ना भाई मान सकते हो आप, बता दीजिए। मेरे पास मैं पेन पेपर ले लेता हूँ, अभी लिख लेता हूँ ना भाई आपके लिए। मैं तो बोल सकता हूँ, हाँ मुशरिक बोल सकते हैं आप, मुझे मुशरिक भी बोल लो, कोई बात नहीं। आपको भाई ना बोलूं भाई, इस्लाम के हिसाब से तो नहीं बोल सकते ना आप, वैसे बोल सकते हैं आप, अगर आप मुनाफिक हैं तो बोल सकते हैं आप, मुनाफिक है ना, ठीक है। नहीं नहीं मैं मुसलमान हूँ, डबल स्टैंडर्ड वाले यार। जी 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 ठीक है तो मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ, तो मैं अब आपको भाई नहीं मैं बोलूंगा। जी साले साहब, क्या वैसे तो वो तो रिश्तों की बात नहीं आती ना कोई भी दे। जी साले जी, साले जी, जी साला जी बोले, ठीक है बोलिए, आपके बोलने से कुछ होने से वाला नहीं, बोलिए क्या। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई बोलने से बहुत कुछ हो गया, इतना हो गया कि तत्ते तवे पर, भाई बोलने से इतना कुछ हो गया कि तत्ते तवे पर बैठ गए, और साला बोलने पर बिल्कुल मुतमइन बेगैरत बर्फ में लगे हुए है नेचर। भाई बोला तो तत्ते तवे पर बैठ गए, चलती आंच पर है, उगलती अग्नि पर, और साला बोला तो मुतमइन फ्रीज्ड बेगैरत, फ्रीज्ड -20 डिग्री। देखो मेरी बात सुनो, आवाज आ रही है, ठीक है। देखो मैंने आपको कभी, मैंने आपसे, देखो मैं आपको कोई आराम से बातें कर रहा हूँ ना, आराम से बातें, क्या पता मैं मुसलमान बन जाऊँ, क्या पता आपको ना जन्नत फिरदौस मिल जाए आपको, मतलब जन्नत का भी एक लेवल होता है ना, पांचवा छठा सातवां आठवां जो भी है दसवां है जो भी है, आपको टॉप लेवल मिल जाए, तो अगर मैं मुसलमान बन गया तो चले, जन्नत तो बाद की बात है, फिरदौस का बताएं किधर है फिरदौस, ठीक है। क्या यार भाई मेरी बात सुनो, आपकी जन्नत की जो लेयर है ना, पहली दूसरी तीसरी है, आपको जब जन्नत की जो आपको टॉप लेवल की जन्नत मिल रहा है आपको, अगर कोई मुसलमान बन जाता है, कोई काफिर मुसलमान बन जाता है, तो आपके लिए अच्छा है ना, जन्नत का तो जन्नत का तो रिजर्व हो गया ना आपके लिए, तो जन्नत इज रिजर्व फॉर यू सर। एनीवे मैं देखो भाई, मैंने आराम से बातें कर रहा हूँ भाई, मैं क्या पता, मैं कह रहा हूँ क्या पता ना, जो डिजीज इन माय हार्ट ना, जो दिल में जो डिजीज है ना, बीमारी है, क्या पता वो निकल जाए। हाँ वैसे मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था कि आज एक दो क्वेश्चन खत्म कर दूं, तो धीरे धीरे मैं ना इस्लाम के बारे में पढ़ने लग गया हूँ,
हाँ कि इस्लाम में क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। मैंने कहा देखो मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा अभी इस वक्त नहीं, और मैं आपके नबी जो प्रॉफिट मोहम्मद को भी कुछ नहीं बोल रहा अभी तक, एज फॉर नाउ ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं आराम से डिसेंट जो डिसेंट का सवाल पूछूंगा थोड़ा सा, तो उससे बात करूंगा। देखो मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि उनकी क्या शादी कब की हुई थी, किससे हुई थी, क्या, मैं ये पूछूंगा ही नहीं। मेरा सवाल सोदा छोटा सा है यार, वो जो आपने जो ड्रेस कोड बताया ना नेचर भाई, आप देख रहे हो नेचर भाई, आप देख रहे हो हमें किस तरह के लोगों का बात करनी पड़ा। आप मुझे खुद, आप मेरे साथ बैठे हो, आप सनातनी भाई हो, मुझे बताओ फिर। लोग मुझे कहते हैं आमिर ऐसे करता वैसे करता, बताओ मुझे, थोड़ा खुद बताओ, हाइपर हुए खुद सर, बताओ। हाइपर आप आज मेरे साथ स्टेज पे बैठे हो ना, खुद बताओ जरा, मेरी जगह पर अपने आप को रखो, बताओ। हाँ उन्हें थोड़ा आराम से कूल से बात करना चाहिए था, बट वो हाइपर हुए, क्या बोले। यानी वो रुक रहे हैं, वो किसी नेचर भाई, वो किसी को मौका दे रहे हैं कि वो रुकें, ब्रेक लें कहीं पर, वो उनको पता हो कि मेरे सामने दो लोग हैं, किसी एक को मौका दे दूं बात करने का। हाँ एक एक सेकेंड, मैं इनसे बात करने के लिए ट्राई करता हूँ। हेलो सर, जी जी अच्छा नेचर भाई बोलिए 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 सर, आप बात तो कर रहे हैं बट थोड़ा आराम से करिए ना, हम भी तो कर रहे हैं आराम से बात, आप इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं। नहीं हाइपर नहीं होता, हाइपर नहीं हूँ मैं, असली में हाइपर नहीं हूँ। नहीं है सर, मतलब आप बोल रहे हैं मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आप आराम से ही नहीं बात कर रहे हैं, आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो अलग बात है, आप अपना इंट्रो तो सही से करिए, हमें थोड़ी ना पता है कि आप क्या है। आपने सीधा आके बोल दिया हम क्या काफिर काफिर है, आप भाई मत बोलो भाई मत बोलो, ये क्या बात होगी सर। ठीक है वो अलग अलग मुद्दा है वो काफिर होगा, लेकिन इस वक्त जो सर ने, जो आमिर सर ने भाई बोला तो उसमें गलत क्या था, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। नेचर, धर्म की बात छोड़िए, नेचर ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ नेचर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुने 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 सुने, अब मेरी बारी है ना, एक एक करके बात करते हैं। नेचर भाई ने अच्छी बात की, आपने अपनी बात रख दी, मैंने तसल्ली से सुना, नेचर भाई ने अपनी बात रख दी, उनका पक्ष आ गया। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, उस हवाले से मुझे ये जानना होगा आप हमारे सनातनी भाई हैं या नॉन सनातनी हैं। मैं तो किसकी रूह से आप जानना चाहते हैं ये डेफिनेट, या इसका इसे जो आप जो मुझे कैटेगराइज करना चाहते हैं किस किस रूह से करना चाहते हैं। इस्लाम के रूह से तो मैं काफिर हूँ, इस्लाम के रूह से मैं मुशरिक भी हूँ। मैं आपकी रूह से जानना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आप वेदास को मानते हैं। देखो भाई मैं पत्थरों को मैं छूता नहीं हूँ, मतलब किस नहीं करता ठीक है, इससे और इससे ज्यादा मैं कुछ और क्या करूँ। नेचर भाई कोई जवाब ही सीधा दे रहे हैं, बताए मुझे। हाँ नहीं प्रॉब्लम है थोड़ा यार, आप मेरा भाई, आप पता नहीं मैं बड़ा रिलैक्स माहौल के अंदर हूँ आज, आप ना मेरे साथ इस तरह करें, आपकी मेहरबानी। मैं प्रोग्राम को फैमिली प्रोग्राम के माइंड सेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट से मैं फैमिली प्रोग्राम के तौर पर लेकर चलना चाह रहा हूँ, प्योरली एजुकेशनल पर्पज की वजह से, ठीक है। मैंने आपसे पर्टिकुलरली साइजली स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, क्या आप वेदास को मानते हैं। मैं ना पत्थरों को नहीं चूमता ना, क्योंकि मेरा लिंग मेरे से सुन लेगा कुछ मेरा भाई। आप ना मुझे ना जगाएं मेरे अंदर का असुर, ना जगाएं भाई, क्यों काम करते हैं। मैंने कोई आपको छेड़ा है भाई है? नहीं हाँ, आम आदमी को मत छेड़, सोता हुआ शेर है, उठ गया तो चीर फाड़ देगा मेरा भाई। क्यों आप क्यों मेरा रुद्र रूप देखना चाहते हैं ये बताए ना। मैं आपको शांत अच्छा नहीं लगता मेरा भाई, सच में कैसे कैसे लोग आते हैं स्ट्रीम पे, मतलब इतने हाइपर होके बोल रहे थे वो, मतलब आते ही हेटली बातें करते, हेटफुल बातें कर रहे थे और नॉन स्टॉप ही बोले जा रहे थे, चुप ही नहीं हो रहे थे, सामने वाला क्या उनसे पूछे जब वो खुद ही नहीं चुप हो रहे थे। आमिर भाई कितना, मतलब वो बोले कि मैं कितने शान से बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी सामने वाले हाइपर हुए हैं और चुप ही नहीं हुए जा रहे हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।